गाइस, दिस इज आशीष और स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल मनी ग्रो डिजिटल में। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं यूट्यूब में वापस, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं हूं अभी। मैं वहां से निकल चुका हूं, कोरोना का बहुत ज़्यादा वहां पे ख़तरा था और वहीं पे पूरा का पूरा मेरा सेटअप भी था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरा एक जो माइक था वो भी दूसरी जगह छूट गया था, तो अभी वो मुझे मिल चुका है और अब आपको मैं कोशिश करूँगा रेगुलर कुछ वीडियोज़ लाने की। तो उसी में से ये एक वीडियो है आप सबके बहुत काम का, जो कि है CoinDCX के मार्जिन ट्रेडिंग से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोग अभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेसिक चीज़ें पता है और वो एडवांस अभी नहीं सीखे हैं। तो यहां पे एक एडवांस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, जैसा मैंने किया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कितना मैंने प्रॉफिट किया है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूँ कि कैसे आप CoinDCX में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के मिलते रहें। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा जिससे वहाँ पे आपको फ्री में भी सिग्नल मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि CoinDCX का ये जो फीचर है ये कैसे आपको बहुत काम आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसी फीचर्स को यूज़ करते हुए, देखिए ये है 9 तारीख का मेरा पूरा स्क्रीनशॉट, जहाँ पे लगभग आप ये प्रॉफिट देख सकते हैं। उसके बाद में आप ये देखिए, ये भी 10 तारीख, मतलब सिर्फ 2 दिन का स्क्रीनशॉट है और 2 दिन का अगर आप काउंट करें तो ये 40K के अप्रॉक्स जो है ये प्रॉफिट है। और इसी ये प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है उसी टेक्निक को यूज़ करके किया है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, जो कि होता है कई लोगों का स्टॉप लॉस वो लगा के रखते हैं, पर स्टॉप लॉस पर उनका जो कॉइन है वो सेल आउट नहीं होता है, उसके बहुत ज़्यादा नीचे जाके सेल आउट होता है। तो उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उससे कैसे बचें वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सीधे सीधे ले चलते हैं CoinDCX के मार्जिन ट्रेडिंग वेबसाइट पे। अगर आप CoinDCX पे ट्रेड नहीं करते हैं या फिर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करिए। इसका एक बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहां पर आप देखें, इसको मैं पिन कर दूंगा आपने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में भी, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। $25 का रिवॉर्ड मिलता है जब आप 5 BTC का ट्रेड यहां पे कर लेते हैं, वो भी मार्जिन ट्रेड में। तो वो बहुत इजी है, आपको इजीली मिल जाएगा $25, इजीली अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम आ गए हैं CoinDCX की वेबसाइट पे, ये है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये तो DCX मार्जिन पे आप आ जाएंगे। और अभी हमें समझ लीजिए डॉग को यहाँ पे हमें करना है लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि जब आप लॉन्ग करते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे आपको आपका प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि ये आएगा 56 तक और उसके बाद में बाउंस बैक करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 56 पे यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगा और लिमिट ऑर्डर ही हमें लगाना है, मार्केट ऑर्डर पे कभी मत करिएगा। एक और बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब कभी कभी आप जो है दूसरा काम करने लगते हैं और इसकी वेबसाइट ओपन रहती है और एकदम से आपने देखा कि किसी चीज़ की न्यूज़ आई या कुछ हुआ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने सेट कर रखा है लिमिट ऑर्डर पर, वो ऑटोमेटिक मार्केट ऑर्डर पे आपका बाय हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ये जो है सेलेक्ट हो जाता है जब आप लॉन्ग करते हैं। आपने सोचा कि आप तो 56 पे लॉन्ग कर रहे हैं पर यहाँ पे हो जाएगा मार्केट पे ही बाय, तो इस चीज़ को लॉन्ग करने के पहले एक बार ज़रूर देखिएगा कि ये लिमिट पे सेट है या फिर मार्केट पे है। अब बात करते हैं कि आपको किस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो ये तो बेसिक था कि यहाँ पे आपको 56 से लॉन्ग करना है, आपने यहाँ पे साइज सेलेक्ट किया, कितना क्वांटिटी करना है, 4x 3x जो भी आपको करना है यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी जैसे सेलेक्ट कर ली या फिर 100% कर ली, जो भी आपको करना है ये आपने कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पर आपने कर दिया लॉन्ग पे क्लिक, ये तो था एक बेसिक जो अभी तक आप करते थे, पर अब आपको ये नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आपने देखा एकदम से कॉइन में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आता है और बहुत तेज़ी से पंप डंप हो जाते हैं, और ऐसे में अगर आप वहाँ पे उस ट्रेड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना है ब्रैकेट ऑर्डर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ब्रैकेट ऑर्डर में होता ये है कि एक बार में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस और जो प्राइस है बाय प्राइस वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे समझ लीजिए अभी डॉग में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ रहा है, 62, 63, 65 ऐसे जा रहा है और आपको लॉन्ग लेना है। आपने क्या किया, 56 पे सीधा सीधा लॉन्ग किया और टारगेट आपने यहाँ पे उठा के सीधा डाल दिया, जैसे मैंने 56 पे किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 60 डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, 56 पे आपने लॉन्ग किया
तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आपने डाल दिया 54 का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब यहाँ पे होगा ये दोस्तों कि जब भी आप इसे लॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे बाय प्राइस पे बाय भी होगा, और जैसे ही आपकी क्वांटिटी जो है पूरी की पूरी बाय हो जाएगी वैसे ही आपका ऑटोमेटिक टारगेट भी लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप जाके उसे टारगेट सेट करें। देखिए मैं अभी करता हूँ इसे लॉन्ग पे क्लिक, 56 से मैं लॉन्ग कर रहा हूँ और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको सारी की सारी चीज़ें सेट मिलेंगी, आपको अब कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज़ आप होता क्या है कि हम पहले करते हैं 56 से लॉन्ग या 60 से लॉन्ग करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं ऐड टारगेट पे, ऐड टारगेट पे जाके हम यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो सेट करते हैं, पर अभी ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी की पूरी पोजिशन लग चुकी है, एक बार में ही ब्रैकेट ऑर्डर में लग गई है। अब इससे होगा क्या कि जब कभी मूवमेंट बहुत तेज़ होता है, फास्ट मूवमेंट हो रहा होता है, तो तुरंत आपका बाय भी हो जाता है और तुरंत आपका एक दो सत उसी के ऊपर अगर आप टारगेट लगाते हैं तो टारगेट भी लग जाता है हाथों हाथ, और आपका सेल आउट भी हो जाता है और आप तुरंत मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ करिए। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर अभी इसे नहीं करना है, मैं वेट करूँगा, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है लोगों को जब स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे आपने समझ लीजिए 56 में स्टॉप लॉस लगाया है, तो यहाँ पे अभी आपको 1.19 BTC की बाय वॉल यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही है। तो अगर 1.5 BTC का आपका ऑर्डर है तो वो तो आपको ऑटोमेटिक जो है सेल आउट हो जाएगा, पर सोचिए आपके पास में 5 BTC के कॉइन जो है आपने लॉन्ग कर रखे हैं और बाय वॉल सिर्फ यहाँ पे 1 BTC की है, तो आपने अगर 56 में स्टॉप लॉस लगाया भी तो वो 56 में स्टॉप लॉस जो है वो काम नहीं करेगा। फिर उसके नीचे पे जो होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें बिड पे, तो देखिए 56 में 1.19 BTC का वॉल है, फिर 1.1 का है, फिर 0.94 का है। तो ऐसे अगर आपका 5 BTC का टोटल ऑर्डर है और आप सेल स्टॉप लॉस लगाते हो 56 पे, तो आपका फिर पूरा का पूरा 56 पे सेल आउट नहीं होगा, उसके लिए वो 2-3 सतोसी 4 सतोसी नीचे भी जाके सेल आउट होगा। इसलिए स्टॉप लॉस कभी भी आप लगाएं, ध्यान रखिएगा एड टारगेट पे जाके ही सेल करें। अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा अगर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है, क्योंकि कई बार उस समय जो पोजिशंस हैं वो ऑटोमेटिक हट भी जाती हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे 1124 क्वांटिटी जो है लॉन्ग की गई है और प्राइस था 4123 से, टारगेट प्राइस था 4199, SL था 4140। अभी देखिए हुआ क्या है कि एवरेज एंट्री प्राइस तो सेम है पर एग्जिट प्राइस अगर आप देखें तो 4126 है, पर SL क्या था 4140। तो हुआ ये है कि 4140 पे इतनी क्वांटिटी का जो बायर था वो नहीं था, इसलिए 4126 पे जाके वो पूरा का पूरा सेल आउट हुआ है। इसलिए कई लोगों को यहाँ पे लॉस होता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे अगर क्वांटिटी नहीं है तो वो नीचे जाके सेल होगा। इसलिए कभी भी अगर आप सेल करें तो एड टारगेट पे ही जाके सेल करें, तो आपका उसी प्राइस पे सेल होगा, उसके नीचे नहीं होगा। या तो फिर आप नीचे जाके भी सेल करें तो फिर आपका वो पूरा का पूरा क्वांटिटी सेल आउट होगा। अगर आपने टारगेट SL लगा दिया और क्वांटिटी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे जाके सेल होगा और ऐसे में आपका लॉस होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। एक और चीज़ का दोस्तों जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि CoinDCX के मार्जिन ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब मार्केट में अच्छा मोमेंट हो और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रही हो, अल्ट कॉइन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, तब जाके आपको उसमें एंट्री लेना है, उसमें ट्रेड करना है। ये नहीं कि किसी भी टाइम आप एंट्री ले रहे हैं, आप वेट करिए आपके उस परफेक्ट टाइम का और फिर आप उसमें ट्रेड करिए, डेफिनेटली आपको लॉन्ग में प्रॉफिट ही होगा। पर अगर आप ऐसे टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे आपको बस जो है वो कॉइन जो है आप सोच रहे हैं कि बस बाय कर लें और होगा कुछ नहीं, बिटकॉइन अभी अगर अप जा रहा है, ऐसे केसेस में अगर आप अल्टकॉइन को लॉन्ग करेंगे तो आपका लॉस ही होना है, क्योंकि कोई भी ऐसे टाइम पे अल्टकॉइन में घुसना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं, बाय करके होल्ड कर लिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो ऐसे में दोस्तों नुकसान आपका है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगता है, आपकी पोजिशन भी
चीज़ जाम हो जाती है और उसके बाद में आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी पूरा का पूरा वहीं का वहीं अटक जाता है और आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करिए और फिर उसके बाद में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कॉइन डीसीएक्स में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। इन जो चीज़ों को मैंने आपको बताया है इनको अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए मैं भी इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके यहाँ पे ट्रेड करता हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है। वीकली मैंने 10% 20% कई कई बार तो मैंने 100% भी जो है जनरेट किया हुआ है यहाँ पे। तो इन्हीं चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, जो चीज़ मैं करता हूँ अप्लाई वही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं कोई यहाँ पर स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही था वीडियो, आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं बहुत सारे सिग्नल देता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।